बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है। यहां हजरतगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। सिविल अस्पताल में 112 पुलिस द्वारा भर्ती कराए गए एक मजदूर की मौत हो जाने के बाद असहाय पत्नी ने जब आर्थिक तंगी के चलते पति का अंतिम संस्कार कराने में जताई असमर्थता, तब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने पुलिस टीम के साथ बढ़ाए मदद के हाथ। देखते ही देखते हजरतगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह के साथ पुलिस टीम ने पूरे रीति रिवाज का पालन कर मृतक को दिया कंधा और बैकुंड धाम में पूरे विधि विधान से कराया अंतिम संस्कार। बता दें कि मृतक सौरभ यादव पेंटर का काम करता था। अपनी पत्नी यास्मीन और 7 वर्षीय बेटे के साथ बालू अड्डा से संजय गांधी नगर में किराए के मकान में रहता था। वर्ष 2014 में पेंटर सौरभ यादव ने अकबर नगर की रहने वाली यास्मीन से प्रेम विवाह किया था। शराब का लती था, अक्सर पति पत्नी में होता था झगड़ा। इसी बात को लेकर पत्नी विगत दिन पूर्व मायके अकबर नगर चली गई थी। आज सुबह उसे पति की मौत की खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पति के अंतिम संस्कार में गरीबी आड़े आई तो हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने मदद के हाथ बढ़ाते हुए पूरे विधि विधान से करवाया अंतिम संस्कार। असहाय दुखी पत्नी ने हजरतगंज कोतवाली पुलिस का आभार जताते हुए अपने 7 वर्षीय बच्चे की शिक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। फिलहाल आज एक बार फिर हजरतगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने विक्रम सिंह ने मानवता की मिसाल पेश की।